9 न्यूज और मैं हूँ आप सबकी होस्ट तृप्ति। इस वक्त लेकर आई हूँ आप सबके लिए ये हमारा खास कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में हम आपको बताना चाहेंगे दिग्गज, अगर बात की जाए लता मंगेशकर के बारे में तो आप भी जानते हैं लता मंगेशकर की हालत कैसी है। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे अपने परिवार को लेकर लता मंगेशकर ने कैसे अपना दर्द बयां किया था, उनके परिवार को लेकर उनका क्या कहना है। बुढ़ापे में वो जानते हैं कि वो बहुत लाचार है। बीमारियों से जूझ रही लता, जिनका इलाज ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में चल रहा है। दूसरी तरफ खबर आई है कि आशा भोसले, उनकी छोटी बहन भी बीमार है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसी कारण वो अपनी बहन को देखने नहीं जा सकती है। डॉक्टर ने भी सख्त मना किया है लता के परिवार को उनसे मिलने से। वीडियो कॉल ही एक माध्यम है जिसके जरिए लता की झलक परिवार वाले देख पा रहे हैं। उषा मंगेशकर, हृदयनाथ सब ने यही कहा कि वो तरस रहे हैं अपनी बहन को घर लाने के लिए। बहनों के बीच लता मंगेशकर रहती, उनका आशियाना भी करोड़ों का है, लेकिन आज उनका इलाज भाई बहन सब मिलकर करा रहे हैं। जानिए उनके परिवार से जुड़ा ये राज, शादी के बिना लता कैसे जिंदगी इतने सालों से गुजारती आई। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की सेहत को लेकर यहाँ हम आप सबके बीच आज एक बार फिर से बात करना चाहेंगे। ना पति है ना बच्चा है, कैसे जी रही थी इतने सालों से लता मंगेशकर अकेली, जिनका परिवार ही है एकमात्र सहारा। कैसे उन्होंने अपने आप को 92 की उम्र में अकेले ही किसी तरह संभाला, तमाम सवाल है जिसका जवाब तो लता मंगेशकर ही दे सकती है। आज आईसीयू में, जी हाँ, इंटेंसिव केयर यूनिट में लता मंगेशकर जो है सो अभी फिलहाल के लिए भर्ती हैं, और ऐसे में एक वीक गुजर गया और उनकी सेहत में किसी भी तरह का फिलहाल के लिए जो है सो आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में कोई भी तरह की जानकारी सामने नहीं आई है। अगर देखा जाए तो लता मंगेशकर की सेहत में कितनी सुधार है इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में एक बार फिर से, कि लता मंगेशकर को लेकर, उनकी सेहत को लेकर देखा जाए तो चिंता लोगों में इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसके बारे में तो सब जानते हैं इसकी वजह क्या है, तो आपको इसकी वजह की बता दें कि यहाँ पर खास तौर पर खबर आई है, एक बार फिर से इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि लता को दो बीमारियों की वजह से अभी तक आईसीयू से छुट्टी नहीं मिल पा रही है। दो बीमारियों का एक साथ हो जाना कहीं ना कहीं जो है बहुत ही ज़्यादा जो है चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है। इसलिए यहाँ हम आप सबको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में लता मंगेशकर को लेकर यहाँ पर कई खबर आई है जो आपको देना चाहेंगे। लता निमोनिया से पीड़ित है, उनका परिवार उन्हें देखने तक नहीं आ पा रहा है क्योंकि वीडियो कॉल के माध्यम से ही उनके बारे में बताया गया है। और आप सबको बताना चाहेंगे खास तौर पर देखा जाए तो लता मंगेशकर के परिवार वाले इस वक्त बहुत परेशान हैं, उनके इलाज का खर्चा जो है परिवार वाले ही उठा रहे हैं, ये तो आप जानते ही हैं। और इसीलिए तो लता मंगेशकर की बात यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को चिंता में डाल रही है, क्योंकि परिवार वाले उनके इलाज को लेकर, उनके ट्रीटमेंट को लेकर सारे कदम उठाने के लिए तैयार हैं। उनकी बहन उषा मंगेशकर लता की सबसे ज़्यादा करीब है। आशा भोसले की भी तबीयत जो है इस वक्त ठीक नहीं है, इसलिए परिवार वालों के बीच लता मंगेशकर की बात की जाए तो लोगों को परिवार वाले के बारे में बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा डर सता रहा है कि परिवार वाले कैसे लता मंगेशकर को संभालेंगे। आशा की भी तबीयत ठीक नहीं है, उनके भाई भी काफ़ी बूढ़े हो गए हैं और उषा मंगेशकर भी काफ़ी बूढ़ी हैं। एक भतीजी ही हैं जो लता मंगेशकर की सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा जो चिंतित रहती हैं, वो उन्हें लेकर अक्सर बातें करती है। लता मंगेशकर की अगर बात की जाए तो स्टेटमेंट से भी पता चला था कि वो अपनी फैमिली को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं कई बार। एक बार अपने स्टेटमेंट उन्होंने दिए थे अपनी फैमिली को लेकर, और इस बारे में सबने कहा था कि वो अपनी फैमिली के बीच अपनी ज़िंदगी को लेकर हमेशा ही खुश रहती हैं, कि उनके पास उनके भाई बहनों के इतने बच्चे हैं कि उनकी जितनी संपत्ति है वो भाई बहनों के नाम हो जाएंगी।
कोरोना वायरस से जब पीड़ित लता मंगेशकर को हॉस्पिटल में रखा गया बीते शनिवार को, तो देखिए जरा ये शनिवार आने वाला है यानी कि एक वीक होने जा रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाए। तो परिवार वालों को डर है कि क्या उनका कंडीशन ठीक हो पाएगा या नहीं, क्योंकि सीने में दर्द वाली प्रॉब्लम जो है कम नहीं हो पा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनकी फैमिली ने पहले भी प्राइवेट रखा था उनकी कंडीशन को लेकर जानकारी साल 2019 में। अब यहाँ पर लता मंगेशकर के स्टेटमेंट की बात की जाए तो बीमारी में लता मंगेशकर का जो स्टेटमेंट है वो वायरल हुआ है अपनी फैमिली को लेकर। लता मंगेशकर के बाद उनकी जितनी संपत्ति है, जो उनके पास धन दौलत है, वो सारी संपत्ति के रक्षक, उन सभी संपत्ति के मालिक जो है उनके भाई बहनों के बच्चे होंगे। अपनी लेगेसी को लेकर उन्होंने कहा था एक बार, आई डाउट माई लेगेसी विल मैटर एज मच टू फ्यूचर जनरेशन इन दिस एरा ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये था उन्होंने कहा था। I'm not too sure of my songs outliving me. Nowadays, the young people's attention span is very limited. They do not live in the past at all. Everyone want to live for the moment. लता मंगेशकर ने कहा सिर्फ आज में लोग जीना चाहते हैं। लता मंगेशकर ने कई बातें शेयर की थी। 92 साल की वो बीते साल 28 सितंबर को ही है। 93 साल उनका ये चल रहा है। उन्होंने कहा, मैं फिलहाल अभी इस उम्र में ठीक कर रही हूँ। बहुत सारे ailment है ऑफ कोर्स। लता मंगेशकर ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि मेरी बुढ़ापे की बीमारी तमाम है इस वक्त, और ऐसी बीमारियों में वो जूझ रही है। पूरी तरह से बॉडी जो है फ्रेल है। फॉर्चुनेटली देखा जाए तो, किस्मत की वजह से देखा जाए तो दिमाग काम कर रहा है, शरीर तो धीरे धीरे काम करना कम कर चुका है। आज की उम्र में, इस एज में, 90 की उम्र के बाद हमारे उम्र के लोग जो है, आधे से ज्यादा जो लोग है व्हीलचेयर पर है या तो लोग गुजर चुके हैं। लता जो है दिलीप साहब को याद कर ऐसा कहती है, वो भावुक हो जाती है क्योंकि लता मंगेशकर के वो बोले भाई दिलीप साहब का भी बीते साल निधन हो गया। हॉस्पिटल में ही सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही थी, वो भी आईसीयू में थे। अब लता मंगेशकर ने भी कहा यही बात कि हमारी उम्र के लोग या तो गुजर गए हैं या तो अभी तक व्हीलचेयर पर है, इसलिए डर लगता है कि ना जाने जिंदगी कब कहाँ किस मोड़ पर ले आए। लेकिन वो काफी डरती है, व्हीलचेयर पर उन्हें रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से वो जीती आई है, वो किसी पर जो है सो मजबूर नहीं रहना चाहती है। परिवार वालों को अपनी जिंदगी बोझ बनते हुए नहीं देखना चाहती है। लता मंगेशकर परिवार वालों पर बोझ नहीं बनना चाहती है, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी में किसी चीज को लेकर पछताती नहीं हूँ, लेकिन उम्र रहते मैं किसी की बोझ ना बन जाऊं। मन ही मन में उनके अंदर कई सवाल इसे लेकर होते हैं और इसीलिए वो तकलीफ में होती है। उन्होंने कहा कि आज भी मैं अपने आप को इतनी बूढ़ी नहीं समझती हूँ, अभी भी मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, मैं खुद को जवां ही समझती हूँ। प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो जिंदगी में स्ट्रगलिंग की एज होती है यंग एज। ऐसे में स्टूडियो में जिंदगी जो जीती थी किशोरदार मुकेश भैया के साथ, वो जिंदगी उनकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे, ये लता मंगेशकर ने कहा था। नेक्स्ट टाइम न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो आप सब ने जाना दिग्गज लता मंगेशकर के परिवार का ये सच। कुंवारी जिंदगी गुजारने वाली लता ने अपना पूरा धन दौलत अपने परिवार के लिए समर्पण कर दिया।